हेलो दोस्तों, फिर से आपके स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं उसे दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लेके आया हूँ दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे वायर्स, माइक्स वायर्स हो गई है, ऑक्स टू जैक वायर्स हो गई है, जैक टू एक्सएलआर वायर्स हो गई है, काफ़ी सारी क्वालिटी के साथ। और यहाँ पे मैंने मार्केट में बहुत रिसर्च करा, मतलब बहुत ढूंढा मैंने, तभी जाके मैंने रिसर्च और R&D के बाद मैं ये वायर्स को बना पाया हूँ। तो दोस्तों ये आती हैं डीजे ब्लॉक की तरफ से ये वायर्स, और पिंस कनेक्टर की क्वालिटी बिल्कुल सुपीरियर रखी गई है। ये नहीं है कि कोई भी लोकल क्वालिटी का उठा के आपको दे दिया जाएगा। तो हाँ जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये वायर्स को देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, कैसे अवेलेबल होगा, क्या प्राइस होगी, वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो काफी अच्छा होने लिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को जोर से लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और भी मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लाता रहता हूं, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं, और यहाँ पे जो सबसे पहली वायर है, यानी ये आपके आती है जैक टू TRS, यानी बड़ी वाली जिसे हम जैक पिन कहते हैं। और यहाँ पे मैं दो क्वालिटी, यानी आपको मतलब साइज के हिसाब से भी देखने को मिलेगी। दूसरी जो आती है वो आती है हमारी फीमेल टू मेल XLR, भी कह सकते हैं आप मेल टू फीमेल XLR, दोनों जिस नाम से आप जानना चाहें। और यहाँ पे इसको हम देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे हमारा जो आता है तीसरा, ये आता है हमारा TRS टू XLR, यानी फीमेल XLR, जो कि आप अपने एक माइक में डाल देंगे। एक चाहें तो आप जैसे वो PA सिस्टम जो होते हैं, जिसमें एम्पलीफायर में इनबिल्ट जैक वाला सिस्टम जो होता है, तो उसके अंदर भी ये लगा दीजिए, और इसके अंदर फिर जो आपका माइक होता है तो इससे आप काम चला सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्वालिटी को हम जानेंगे यहाँ पे कैसी कैसी है, और यहाँ पे ये क्वालिटी मैंने कैसे बनाई है, यानी कैसे रिसर्च करके। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया की जो सबसे बड़ी DJ मार्केट है, यानी लाल किले के सामने चांदनी चौक पे, आप नाम तो जानते होंगे, तो वहाँ पे मैं गया, काफ़ी सारी शॉप्स पे मैं गया और मार्केट में घूमा, यहाँ पे एक्सपो में घूमा, मतलब काफ़ी रिसर्च करने के बाद 25 से 30 दुकानों पे मैं गया, और देखा मैंने कि यहाँ पे कैसी कैसी हमें क्वालिटी देखने को मिलती है। वहाँ पे कुछ बुराई भी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छाई भी थी उस केबल में, तो सबको मैंने अच्छाई, यानी जो अच्छी अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे क्वालिटी कैसी रखी गई है, हाँ इस चीज़ से इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसको मैंने नोट करा। उसके बाद मैंने उनको टोटल, यानी फिर उसको देखा, समझा और परखा, R&D बिठाई, और काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने फिर ये जो केबल्स हैं उनको लेके आया हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले हमारे ये मोबाइल फ़ोन जैक वाली को देखेंगे, उसके बाद XLR टू जैक देखेंगे, उसके बाद XLR टू XLR देखेंगे। तो चलिए पास में आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ उनकी क्वालिटी, आइए। तो दोस्तों जो हमारा पहली वाली वायर्स आती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो होती हैं वो होती हैं दोस्तों TRS टू ऑक्स, यानी 3.5 mm जैक टू 6.35 mm जैक। तो इनका बेसिकली होता क्या है कि दोस्तों आप इस वाले को जो होता है आप या तो अपने मिक्सर में कर दीजिए, या फिर आपके जो एम्पलीफायर होता है उसके पीछे जो ऑक्स का ऑप्शन होता है, ज़्यादातर जो PA एम्पलीफायर होते हैं तो उसमें आप ये डाल दीजिए, या आपके फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, जिसमें आप इसको लगाना चाहें उसमें ये वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी फ़ोन में वर्क ना करे या फिर किसी लैपटॉप में वर्क ना करे। तो हमने इसको ट्राई टेस्टेड करने के बाद आपको ये प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वालिटी कैसी रहती है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजे व्लॉग की यहाँ पे है, ये ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है बकायदा, ये आप यहाँ पे वायर पे देख सकते हैं। और इसको मैं अभी खोल के भी दिखाऊंगा यहाँ पे कैसी क्वालिटी रहती है। बाकी जो इसकी नॉर्मल जो लेंथ रहती है इस वायर की, वो रहती है 2 मीटर से स्टार्टिंग लेंथ हो जाती है। बाकी आप यहाँ पे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, 3 मीटर भी ले सकते हैं, 4, 5, 8 मीटर तक हमारे पास अवेलेबल रहती है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनली मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि अंदर की साइड हम यहाँ पे कैसे काम करके आपको देते हैं। ये देखिए, ये आप अंदर की साइड देख सकते हैं, बकायदा ये हीट सिंक स्लिप जो होती हैं, ये हीट वाली स्लिप जो होती हैं उससे इसको टाइट करा जाता है। और यहाँ पे जो ये रहती है, यहाँ पे जो टाका यानी जो शोल्डरिंग करी जाती है उस पर भी हीट स्लिप चलाई जाती हैं, ताकि जो वायर हो वो निकले ना, तो इस चीज़ का इसमें काफ़ी अच्छा ध्यान दिया जाता है। और बाकी ये आप मेटल को देख ही सकते हैं, ये आप मेटल को यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये मेटल होता है,
तो ये कभी कोई चढ़ जाए या फिर कुछ हो जाए तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, यानी लगभग टूटेगा नहीं। तो ये चीज़ में ध्यान दे जाती है। ये जो होता है ये दोस्तों स्टील होता है, तो इस चीज़ में इसमें ध्यान दे रखा है। और ये यहाँ पे ये रबड़ ग्रिप लगी रहती है। और ये स्लीप्स जो होती हैं, ये हीट सिंक स्लीप क्या काम करती है मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसको आप खींचेंगे भी तो ये इतनी जल्दी नहीं निकलेंगी, ये देखिए, ये देखिए। तो इस चीज़ का भी इसमें ध्यान रखा गया है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इससे क्या रहता है कि बाय चांस ये वायर चटकने का डर सा रहता है कि यहाँ पे ऐसे चटक जाएंगी, तो इसलिए ये स्लीव जो होती हैं, यानी हीट स्लीव जो होती हैं, इसको हम बाहर ज़्यादा लेतर निकाल के रखते हैं। सेम ऐसे ही हमारे जो 3.5 mm यानी ऑक्स जो होता है, इस पर भी हमने इसमें ऐसा काम कर रखा है। तो इस चीज़ का भी इसमें हमने ध्यान दे रखा है। तो ये आप यहाँ पर क्वालिटी को देख सकते हैं, ये देखिए, ये प्रॉपर तरीके से हमने इसमें ये काम कर रखा है। सारा का सारा मेटल होता है, ये नहीं है कि कोई लोकल क्वालिटी आपको दे दी जाएगी। इस चीज़ का इसमें बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। और चलते हैं आगे, मैं आपको कुछ और प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है TS2XLR, यानी आप यहाँ पे TS को देख सकते हैं। इसकी भी क्वालिटी, ये भी मेटल रखा गया है, ये नहीं है कि प्लास्टिक का दे दिया जाए। और यहाँ पे ये आप XLR देख सकते हैं। बेसिकली ये दोस्तों होता किस काम के लिए है, ये आप मान लीजिए कि आपके जो PA एम्पलीफायर होते हैं, आप इसको मिक्सर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं होता है। XLR to XLR जो होते हैं वो फुल्ली बैलेंस्ड होते हैं, ये मोनो में कहा जाता है इसे हम। तो आप इसको जैसे PA सिस्टम के जो एम्पलीफायर होते हैं उसमें ज़्यादातर आप इसको यूज़ में ले सकते हैं, बाकी आप इसको काफ़ी जगह भी यूज़ में ले सकते हैं। बाकी ये भी मेटल रहता है, तो इस चीज़ का इसमें भी ध्यान दिया जाता है। तो ये आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। फर्स्टली यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये डीजे ब्लॉग की हम बिल्कुल ब्रांडिंग देते हैं, श्योरिटी बनी रहेगी आपके लिए कि हाँ ये किस ब्रांड की तरफ से आ रहा है। तो डीजे ब्लॉग की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है बाकायदा। और इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप यहाँ पे क्वालिटी को देख सकते हैं, किस टाइप की यहाँ पे क्वालिटी हम देते हैं। इसके अंदर भी जो होती हैं यहाँ पे ये शोल्डरिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, ये वाली जो शोल्डरिंग होती है, तो इसमें क्या करते हैं हम इसके अंदर भी स्लीव लगा देते हैं ताकि जो टाका जो होता है यानी शोल्डरिंग जो होती है वो छूटे ना। तो इस चीज़ का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। और इसके ऊपर बाकायदा सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही हम आपको ये प्रोडक्ट देते हैं। और इसको भी मैं XLR को भी खोल के दिखा देता हूँ आपको एक बारी। प्रॉपर तरीके से काम करा जाता है यहाँ पर, कोई भी ऐसा नहीं है कि लोकल क्वालिटी आपको यूज़ करी हुई दे दी है। ये देखिए, इसके अंदर भी जो ये तीन आपको 1, 2, 3 देखने को मिलेगा, उसके अंदर भी हमने स्लीव फंसा रखी है। और बाहर से एक स्लीव, बड़ी वाली स्लीव को हम डाल देते हैं ताकि जो कसाव रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, कोई खींचता है तो ये जल्दी नहीं टूटती हैं। तो इस चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाता है। और बाकायदा ये यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं, ये जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए कितना टाइट फिट रहता है ये। ये देखिए, ये आपको ये धब्बा सा दिख रहा होगा यहाँ पर, ये दबने का निशान है, यानी ये जो लॉक होता है ये इससे लॉक कर देता है। तो अगर आप वायर भी आप खींचते हैं तो अंदर ये गैपिंग रहती है, यानी हल्का सा आपको टिल्ट दिख रहा होगा तो ये वायर खींचती नहीं है। तो इस चीज़ का इसमें ध्यान रखा गया है। सारे के सारे मेटल्स में यूज़ करे जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि लोकल क्वालिटी आपको दे दिया जाता है। तो चलते हैं आगे, मैं आपको कुछ और प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, यानी हमारी नेक्स्ट वायर को भी हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं XLR to XLR मेल फीमेल XLR। सबसे पहले आपको यहाँ पे डीजे ब्लॉक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, तो भरोसा आपका बना रहेगा इसके साथ। तो ये चीज़ हमारा हर एक इसमें देते हैं XLR अपने, ये जितनी भी वायर्स होती हैं, तो आप इसको क्वालिटी को देख सकते हैं। बाहर ये जो होती हैं PVC ग्रिप स्लीव्स वाली, ये बाहर तक दी जाती है ताकि ये जो वायर हो यहाँ से चटके ना। बेसिकली होता क्या है कि वो खेचतान कर देता है, तो ये वायर चटक जाती हैं। और ये रबराइज होती हैं, ये जो चीज़ होती है ये रबराइज होती है, तो अगर कोई इतना भी खींचेगा तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। तो इस चीज़ का भी इसमें ध्यान दिया जाता है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब देखिए आप क्वालिटी को देख सकते हैं। ये देखिए, गैपिंग आपको एक भी नहीं मिलेगी, ये देखिए 0 gapping। और ये लूज़ भी नहीं रहता है, बिल्कुल भी लूज नहीं रहेगा। तो इससे क्या रहता है कि जो साउंड में बाय चांस अगर हाथ में कोई माइक लेके खड़ा रहता है तो क्या रहता है कि कई बारी चिर चिर की आवाज़ आती है, तो उसमें यही कारण होता है कि ये जो लूजिंग जो रह जाती है वो उसी के कारण आना शुरू कर देती है। तो इसको भी मैं आपको खोल के एक बारी दिखा देता हूँ, हमने इसकी भी क्वालिटी कैसे दे रखी है। तो ये यहाँ पर आप
देख सकते हैं, ये देखिए बकायदा सब कुछ स्लीव्स लगा के अंदर की साइड प्रॉपर हीट करके, कहीं से भी कोई लूजिंग नहीं रहती है। बाई चांस अगर बॉडी पे भी वायर टच नहीं होने का पूरा हम ध्यान रखते हैं कि बॉडी पे वायर टच ना हो बिल्कुल भी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देखने को मिल जाता है। ये प्लास्टिक की क्वालिटी भी हम अच्छी देते हैं आपको, और इसको मैं वापस यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। चलते हैं आगे, मैं आपको कुछ और डिटेल्स देता हूँ उसके बारे में, यानी प्राइस क्या रहेगी और किस काम आता है, सारी डिटेल्स और किस किस टाइप की आपको मिल जाएंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कैसे लगी क्वालिटी, मुझे उम्मीद है पसंद ही आई होगी। आई थिंक आपको देखी होगी इसके अंदर मेहनत, कितनी मेहनत से मैंने ये बनाई थी, और आपको दिख भी गया होगा और आपको सही भी दिख रहा होगा कि मार्केट से बिल्कुल अलग है। मार्केट में ऐसी वायर आपको नहीं मिलेगी, ऐसी क्वालिटी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ की मैं आपको फुल गारंटी देता हूँ कि ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आप चाहें तो जैसे ये हो गया XLR की जगह आप जैक लगवा सकते हैं, अपने बिहाफ पे आप मेल XLR वाला भी ले सकते हैं, फीमेल XLR वाला भी आप ये ले सकते हैं। आप चाहें तो ये जो आपको मैंने मोबाइल फ़ोन वाली लीड दिखाई थी, यानी 3.5mm जैक के साथ TRS के साथ, आप चाहें तो यहाँ पे आपको XLR भी मिल जाएगा। आप जैसे चाहें मतलब जैक टू जैक भी अगर आप लेना चाहें, जैसे एम्पलीफायर पैच करते हैं डीजी चेन में काफ़ी काम आते हैं, वहाँ पे आपको जो होती है मेल XLR और साथ में ये TRS वाला चाहिए होता है, या फिर आपको फीमेल XLR वाली जो आपको हाफ ऑफ मीटर वाली होती हैं, वो हाफ ऑफ मीटर वाली होती हैं, तो वो भी आपको मिलेगी। और यहाँ पे आप चाहें तो ये वाली वायर को भी ले सकते हैं, बाकी ये वायर है 10 मीटर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये प्रॉपर वाली जो होती हैं मीटर वो हम लेते हैं, वो कोई नहीं है कि ऐसे ऐसे नापा ये 1 मीटर हो गया, तो ऐसे नहीं लेंगे दोस्तों, ये प्रॉपर होगा। अगर मैं बाई चांस यहाँ से भी नापूँ ये हो गया, ठीक है ये हो गया, तो ये देखिए इतनी वायर को खा जाते हैं। तो इस चीज़ का हम बिल्कुल ध्यान देते हैं कि 1 सेंटीमीटर भी आपका वायर ख़राब ना हो, आपको प्रॉपर मिले, क्योंकि आपकी वो गाड़ी कमाई है और जब आप खर्च कर रहे हैं तो आप उसको सही जगह पे खर्च करिए। तो इस चीज़ का हम ध्यान देते हैं कि आपको बिल्कुल प्रॉपर वायर मिलेगी, प्रॉपर कनेक्टर मिलेगा मेटल के साथ, और इसमें भी कोई कंजूसी नहीं करी गई है। आप चाहें अपने बिहाफ के हिसाब से आप चाहें कितने मीटर के भी बनवा सकते हैं, हाफ मीटर से स्टार्टिंग है वायर्स की, और आप कितने मीटर तक भी वायर्स ले सकते हैं और कनेक्टर अपने हिसाब से लगवा के ले सकते हैं। बाकी स्टॉक में जो अवेलेबल होगा अगर आपको परचेज़ करना है तो नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, यानी व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने अपना खुद पर्सनल, यानी अब ये व्हाट्सएप नंबर आपको मिलाएगा, कोई भी प्रोडक्ट वो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो कॉलिंग उस पर नहीं करनी है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कॉल मैं नहीं उठाऊंगा, पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे बात करिए, उसके बाद अगर ज़रूरी लगा मुझे कि आपको आपकी कॉल मुझे रिसीव करनी है किसी कारणवश, तो मैं आपको फिर एक टाइम दूंगा, तो उस टाइम पे हम जो भी डिस्कशन होगा वो हम करेंगे। प्राइसिंग भी इसकी दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा, तो वहाँ पे आप मुझसे आके पता कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी इन वायर्स को मंगवा सकते हैं। बाकी जो TRS और जो ऑक्स वाली है 2 मीटर से कम में नहीं मिलेगी, 2 मीटर के ऊपर ही मिलेगी, 8 से 10 मीटर तक आप इसको बनवा सकते हैं अपने हिसाब से। और बस दोस्तों ये अगर क्वालिटी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे दोस्तों एक लाइक करें, इस वीडियो पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, साथ के साथ उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं आगे और भी ऐसे वीडियोज डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मैं आता हूँ अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।